हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के एक और सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब, ये हमारी यूट्यूब पर एक सीरीज़ है जिसमें हम 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस को चूज़ करते हैं। कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैबलरी के क्वेश्चंस को चूज़ करते समय हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हों, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन जो कई बार आपको ड्रॉप करने पड़ जाते हैं वो आपको ड्रॉप ना करने पड़े। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये हमारा एप्लीकेशन है और ये हेल्पलाइन नंबर है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। जिन 10 क्वेश्चंस को हम अभी अटेम्प्ट करेंगे, आप चाहें तो उन्हें टेस्ट के फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करें और फिर डेली क्विजेस में जाएं, वहां से आप डोज 19 को ओपन कर सकते हैं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इन्हीं 10 क्वेश्चंस का। एक तो तरीका है टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, और दूसरा तरीका है कि पीडीएफ नोट्स में जाएं। आप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद वहां से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब और वहां से आगे जाके डोज 19 इस पीडीएफ को ओपन कर लें। आइए फाइनली स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द बैंक विल डिसाइड दैट अशोक इज एलिजिबल फॉर अ बैंक लोन बेस्ड ऑन हिज मंथली सैलरी। अब इसमें एरर है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो फिर नो एरर है। फिर से पढ़िए, द बैंक विल डिसाइड दैट अशोक इज एलिजिबल फॉर अ लोन बेस्ड ऑन हिज मंथली सैलरी। बैंक इस बात को तय करेगा कि अशोक अपनी मंथली सैलरी के आधार पर लोन के लिए एलिजिबल है। बैंक ने ये तय नहीं किया है, बैंक ने ये तय नहीं किया है, बैंक ये तय करेगा कि अशोक अपनी मंथली सैलरी के हिसाब से लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मतलब अभी ये मालूम नहीं है कि अशोक एलिजिबल है या अशोक एलिजिबल नहीं है। जब आपको मालूम ना हो तो आपको दैट नहीं लगाना चाहिए, इफ या वेदर लगाना चाहिए, प्रिफरेबली इफ लगाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? द बैंक विल डिसाइड इफ अशोक इज एलिजिबल, इस तरीके से। जैसे हमें ये पता लगाना होगा कि ट्रेन समय पर चल रही है, वी नीड टू कंफर्म इफ द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम। लेट अस कंफर्म इफ द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, मतलब हम जानते नहीं है ना कि ट्रेन समय पर चल रही है या लेट चल रही है। तो जब आप दो ऑप्शंस के बीच में हैं, कंफर्म नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो आपको इफ लगाना चाहिए, है ना? हाँ, जैसे आपने किसी सम को सॉल्व किया, आंसर भी आ गया आपका, आप कह रहे हैं कि चलो यार टीचर के पास चलते हैं और ये पूछ लेते हैं कि हमारा जवाब सही है। मतलब हो सकता है हमारा जवाब सही हो सकता है हमारा जवाब गलत हो। लेट्स गो एंड आस्क द टीचर इफ आर आंसर्स आर करेक्ट। तो इफ आर आंसर्स आर करेक्ट, हो सकता है करेक्ट हो और हो सकता है करेक्ट ना हो। जब आप श्योर नहीं है तो दैट ना लगाए, इफ या वेदर लगाए, प्रिफरेबली इफ लगाए। मूविंग ऑन, द स्पॉट वेयर द लिटिल बॉय ड्रोन्ड, वो जगह जहां पर वो छोटा सा बच्चा पानी में डूब गया था, डज नॉट बिलोंग टू द एरिया स्पेस टू अस, अलॉटेड टू अस, एक्सकेवेटेड टू अस, डिमार्केटेड टू अस और ऑथोराइज्ड टू अस। देखिए, एक्सकेवेट का मतलब होता है डिग करना, जमीन खोदना। तो बच्चा जहां कहीं पे डूब गया है तो वो एरिया जो है हमारा नहीं है, तो इसमें एक्सकेवेट का क्या मतलब है? ऑथोराइज, अलॉट या फिर डिमार्केटेड होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये जो वर्ड डिमार्केटेड है इसको हिंदी में कहते हैं सीमांकन करना। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि दो पुलिस थाने हैं और एक जगह पर कहीं इंसिडेंट हो जाता है और वो जगह जो है बड़ी ही कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, तो कहा जा रहा है कि ये एरिया पता नहीं इस पुलिस थाने में आता है या उस पुलिस थाने में आता है। यह पुलिस पहुंचती तो कहती है कि ये मामला हमारे पुलिस थाने का है ही नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे पुलिस थाने में आता ही नहीं। तो दिस प्लेस इज नॉट डीमार्केटेड टू अस, आया समझ में? ये होना चाहिए। ऑथोराइज आप किसी एरिया को नहीं करते, किसी पर्सन को आप कोई अथॉरिटी दे देते हैं। अलॉट करते हैं, किसी जॉब अलॉट कर सकते हैं, स्पेस अलॉट कर सकते हैं, सीट अलॉट कर सकते हैं, इवन आप प्लॉट अलॉट भी करते हैं। लेकिन जब एक बाउंड्री को फिक्स करना हो तो बाउंड्री को अलॉट नहीं करते, बाउंड्री को डिमार्केट करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये पर्टिकुलर सेंटेंस वोकैबुलरी पे बेस्ड था,
मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। द पावर सप्लाई इन मेनी स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में जो पावर सप्लाई है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई, हैव बीन बैडली अफेक्टेड, बुरी तरीके से प्रभावित हुई है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल, कोयले की कमी के चलते। कई बार यहाँ जहाँ ए वाला अफेक्टेड लिखा है, यहाँ ई वाला इफेक्टेड कर देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि ई वाला इफेक्ट नाउन होता है, ए वाला अफेक्ट वर्ब होता है, और आपको वर्ब भी चाहिए। हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई और अफेक्टेड मेन वर्ब हो गई। खैर, सेंटेंस कह रहा है कि तमाम राज्यों में जो पावर सप्लाई है बुरी तरीके से प्रभावित हुई है शॉर्टेज ऑफ कोल के चलते। आप मुझे बताइए ये हैव किसकी वर्ब है, ये जो हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या ये स्टेट्स की वर्ब है? नहीं सर, ये पावर सप्लाई की वर्ब है। प्रभावित क्या हुआ है, स्टेट्स प्रभावित हुए हैं या इन स्टेट्स में पावर सप्लाई प्रभावित हुई? पावर सप्लाई प्रभावित हुई है ना, तो हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। द पावर सप्लाई इन मेनी स्टेट्स हैज बीन बैडली अफेक्टेड, द पावर सप्लाई इन मेनी स्टेट्स हैज बीन बैडली अफेक्टेड। ठीक है, नंबर फोर, देयर ऑल हार्ड वर्क हैड बीन ऑफ नो यूज, उन्होंने खूब मेहनत करी लेकिन उनका उनकी सारी मेहनत किसी काम की नहीं निकली। ऑफ नो यूज का मतलब है किसी काम का ना होना, ये एक फ्रेज टाइप से है। ऑफ यूज का मतलब है काम का होना, और ऑफ नो यूज का मतलब बेकार, यानी कि किसी काम का ना होना। तो उनका हार्ड वर्क किसी काम का नहीं निकला। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि दियर एक पसेसिव एडजेक्टिव है, नियम के मुताबिक जो नाउन होता है और जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है, नियम के मुताबिक पसेसिव एडजेक्टिव को नाउन के ठीक पहले होना चाहिए। पसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, दियर हो गया, ये सब। जैसे मैंने बोला माई ऑल बुक्स, तो मैंने गलत बोला है, मुझे बोलना चाहिए ऑल माई बुक्स। मतलब पसेसिव वर्ड को नाउन के पहले ही रखना चाहिए, ठीक पहले रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे आप कहें हिज ऑल फ्रेंड्स, तो गलत है सर, बोलना चाहिए आपको ऑल हिज फ्रेंड्स। याद रखें कि पसेसिव एडजेक्टिव को नाउन के ठीक पहले रखें। तो ये जो डियर ऑल है, इसको बदल करके ऑल डियर हार्ड वर्क कर दीजिए। ठीक, डियर को हार्डवर्क के पास में ले जाइए। ऑल दियर हार्डवर्क हैड बीन ऑफ नो यूज, उनकी सारी मेहनत किसी काम की नहीं निकली। मूविंग ऑन, नंबर फाइव, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक देर आर मोर इंटरनेट यूजर्स इन स्मॉल टाउन्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे छोटे शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज़्यादा है दैन मेट्रोज, मेट्रोज की तुलना में। अब ध्यान से देखिए, आप कंपेरिजन कर रहे हैं, तो क्या कंपैरिजन आप स्मॉल टाउन्स का मेट्रोज से कर रहे हैं, क्योंकि दैन के बाद आपने मेट्रोज लिखा, मेट्रोज मतलब मेट्रो सिटीज। तो क्या आप स्मॉल टाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं मेट्रो टाउन से या मेट्रो सिटीज से? नहीं, आप स्मॉल टाउन में जो इंटरनेट यूजर्स हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं मेट्रोज में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनसे। दैन के बाद आपको लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, दैन than the internet users, users in metros, और फिर internet users के लिए those लगा दीजिए, those in metros। आया समझ में? सही हो जाएगा, more internet users in small towns than those in metros, than those in metros। आप यूजर्स को यूजर्स से कंपेयर करिए। नंबर सिक्स, अच्छा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से है। द हैबिट ऑफ स्पिटिंग, मतलब थूकने की जो आदत है, स्पिट मतलब थूकना, इज वन ऑफ द प्राइमरी कोर्सेस, नहीं आई एम सॉरी, कॉजेस, इसका मतलब है कारण। ये जो कहीं पर भी थूकने की जो आदत है, ये प्रमुख कारणों में है। किसके प्रमुख कारणों में? ये जो बीमारियां फैलती हैं, स्प्रेड मतलब फैलना, बीमारियां फैलती हैं उनके, और किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं ये यहां लिखा हुआ है, बीमारियां जो फैलती। सर नेगोशिएबल बीमारियां होती नहीं, ये तो फिर आप जो है बातचीत कर रहे होते हैं। नेगोशिएबल तो जैसे कोई डील हो गई, प्राइसेस नेगोशिएबल हो गए, मतलब जहां कम ज्यादा हो सकता है।
कंटीजियस बहुत से लोगों को लगता है कि बीमारी से रिलेट करता है सर। कंटीजियस कंटिन्यू से बनता है, कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, कंटीजियस का मतलब होता है एडजेसेंट, जिसका मतलब होता है सटा हुआ। क्या मतलब होता है सर? सटा हुआ। ठीक, आप कम्युनिकेटिव लिखा है, कम्युनिकेबल लिखा हो, वो आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा संचारी रोग, वो रोग जो संचार जिनका किया जा सकता है, जिन्हें एक से दूसरे में भेजा जा सकता है, ऐसी बीमारियों को आप कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। इस बात का याद रखिए, फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये है सही तरीका। ठीक, थूकने की जो आदत है वो प्राइमरी कॉजेस में आती है कम्युनिकेबल डिजीजेस के फैलने की, कम्युनिकेटिव भी डिजीजेस नहीं होती। इन बातों का याद रखिए, वो बीमारियाँ जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती हैं, वो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, जिन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहा जाता है। नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इन स्पाइट ऑफ द बेगर्स रिपीटेड, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, ही रिमेन्ड इनडिफरेंट, वो इनडिफरेंट ही रहा, इनडिफरेंट मतलब उदासीन, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसे समझो कि एक भिखारी किसी से कुछ मांग रहा है, बार बार कह रहा है, पर उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। जब वो ध्यान नहीं दे रहा तो यानी कि वो इनडिफरेंट है, तो वो इनडिफरेंट रहा। हाँ, जबकि बेगर ने बार बार उससे कहा, तो बेगर के बार बार वार्निंग्स देने के बावजूद, बेगर क्यों वार्निंग्स देगा, उसकी कौन सी हैसियत है वार्निंग देने की, तो बेगर के बार बार वार्निंग्स देने के बावजूद वो उदासीन रहा। नहीं, बेगर एडवाइस क्यों देगा यार, आप उससे एडवाइस क्यों मांगेंगे, खासतौर पे जब उसको ही कुछ चाहिए। कन्वल्शंस का मतलब होता है झटका, ऐंठन जिसको कहा जाता है, जैसे पेट में मरोड़ आती है ना, झटके लगते हैं, वो कन्वल्शंस होता है। एंट्रीटी होता है सर, तो एंट्रीटीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट, प्लीज, समझ रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो भिखारी के बार बार निवेदन करने के बावजूद भी वो इंडिफरेंट ही रहा। सोचो अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग मालूम है तो यू आर वेरी मच इन द गेम, आपसे हो जाएगा। नहीं मालूम है, झूलिए। आपको ना कन्वल्शंस का मीनिंग मालूम है, ना एंट्रिटीज का मीनिंग मालूम है, फंस जाएंगे आप सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कमांड ओवर वोकैबुलरी, याद रखिए सर। नंबर 8, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द न्यू स्कीम, सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत करी है, फॉर देम हु वॉन्ट टू स्टार्ट देयर बिजनेस एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। सर ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या कहा मैंने, रिलेटिव प्रोनाउन। सर हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वॉट हो गया और दैट हो गया, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। वॉट को छोड़कर बाकी सारे रिलेटिव प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट होते हैं। एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए, जैसे ये हु है तो हु का एंटीसीडेंट देम हो गया, वो नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए। अब रूल है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट थर्ड पर्सन प्लूरल, क्या कहा, थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि दे या फिर देम नहीं हो सकता। आप मतलब देम हु नहीं लिख सकते, आप मतलब देम हु नहीं लिख सकते, गलत है सर ये, आप समझ रहे हैं, आप दे हु नहीं लिख सकते, रॉन्ग है ये। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दे या देम नहीं होता, ऐसी स्थिति में हमें आपको दोज लगाना होता है, तो जहां आप देम देख रहे हैं वहां क्या करिए, दोज करिए। तो देखिए कहावत भी है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, उसका ट्रांसलेशन है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये देखिए हु के पहले दोज आया, देम नहीं आया। एक और कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के हों, तो उसके ट्रांसलेशन में है दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस, दे हु नहीं है। तो याद रखिए सर कि आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल दे या फिर देम नहीं रखना, दोस्त को ही रखना है आपको। नंबर 9, मिस्टर गेट्स इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मिस्टर गेट्स संभवतः बिल गेट्स जी को लेके कहा जा रहा है, वो एक सफल व्यापारी हैं, ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हु डोनेटेड मोस्ट ऑफ हिज अर्निंग्स टू चैरिटी। ये तो नहीं होगा, डोनेटेड पास्ट है सर,
एक तो मिस्टर गेट्स अभी जिंदा है, दूसरी बात सेंटेंस में भी इज लगा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि मिस्टर गेट्स एक सफल व्यापारी हैं, हाँ, जिन्होंने अपनी अधिकांश कमाई जो है चैरिटी में दान कर दी थी, ये गलत बात है सर। चैरिटी में दान कर दी थी ये तो गलत है। भले ही आप ये कह दें कि जिन्होंने अपनी तमाम कमाई चैरिटी में दान कर दी है, ऐसे बोल दीजिए, मतलब आप ये लगाने का विचार कर सकते हैं, पास्ट में ना जाइए सर, हैड गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो गलत ही हो गए, बकवास हो गए सर, इनको होना ही नहीं। या तो आप ए के साथ चलें या तो आप सी के साथ चलें, समझ रहे हैं आप, या तो आप ए के साथ चले या तो आप सी के साथ चले। तो मिस्टर गेट्स एक सफल व्यापारी हैं जो जिन्होंने अपनी अधिकांश कमाई जो है दान में दे दी है, या जो अपनी अधिकांश कमाई दान में देते हैं। सोचिए सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जिंदा हैं और अभी भी वो कमा रहे हैं, तो वो देते हैं ज़्यादा सही रहेगा सर। कोई व्यक्ति अगर जिंदा है तो दान में अपना पैसा देता है, ये बोला जाएगा। या तो किसी पर्टिकुलर चैरिटी के लिए कहा जाए, जैसे किसी व्यापारी ने राम मंदिर में 1 करोड़ रुपए का दान दिया, तो वो दान दिया है। लेकिन आप एक जनरल बात करें कि वो व्यापारी बहुत दयालु है, दान में बहुत सारा पैसा खर्च करता है, जैसे टाटा ग्रुप जो है डोनेशन में चैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा डोनेट करता है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो आई बिलीव कि आपको इनडेफिनेट में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जेनुफ्लेक्शन, आपको इसका सिनोनिम बताना है। जेनुफ्लेक्शन का मतलब होता है सर सम्मान, रिस्पेक्ट जिसको कह सकते हैं आप, रिगार्ड कह सकते हैं, ठीक, आप इसे वेनरेशन भी कह सकते हैं, एक वर्ड डेफरेंस होता है, आप इसे डेफरेंस भी कह सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जेनरेशन तो पीढ़ी हो गया, ट्रांसमिशन का मतलब हो जाएगा ना एक तरीके से बदलाव, जिसको चेंज कह सकते हैं, ट्रांसमिट जब चीज़ें करती हैं। विटुपरेशन तो अगर एंटोनिम बताना हो तो वो होता है, इसको कीचड़ कहते हैं, जिसको आप मैलिन करना, ब्लेम करना जिसको आप कह सकते हैं, ठीक, हाँ, मतलब इसको कहते हैं कि जब गंदगी मचा रहे हो एक तरीके से। तो इस तरीके से आज का सेशन ओवर हो जाता है, 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा दिए। सेशन को ओवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, मिसलिनियस क्वेश्चंस की, तो मेरा सर प्रैक्टिस बैच है, 2 प्रैक्टिस बैच है, 1.0 और 2.0, ठीक, ये रिकॉर्डेड बैच है, ये लाइव बैच है। इसकी फ़ी 999 है, इसकी फ़ी 1499 है, कंटेंट दोनों का सेम है। 100 मार्क्स का बैच है ये, 100 मार्क्स का बैच है, हर मार्क में 50 क्वेश्चंस हैं, कुछ ग्रामर के, कुछ वोकैब के, कुछ कॉम्प्रिहेंशन के, हूबहू पेपर वाला पैटर्न, यानी कि टोटल में 5,000 मिसलिनियस क्वेश्चंस का ये बैच है। आप चाहे तो रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं और चाहे तो लाइव भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन पे ही बैच है। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह गया हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए ये एड्रेस है, मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास, आप आइए, बिल्कुल आपको क्लासेस दी जाएंगी। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आप इधर इंग्लिश पढ़ने आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।